चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स में हम लोगों ने देखा था जीन इंट्रैक्शन के बारे में, हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कि जीन इंट्रैक्शन क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, जीन इंट्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन एंड डुप्लीकेटिंग जीन, तीनों के बारे में पढ़ लिया था। उसमें देखा गया था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि देखो थोड़ा सा बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि मेंडल ने जो बताया था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख के बता दें, फिलअप कर देंगे हम लोग, कि जो मेंडल ने बताया था, मेंडल का मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी बात किया जाए, ठीक है, तो कौन सा था हमारा, डाइहाइब्रिड। ठीक है, जिसमें हम लोग सब कुछ देख सकते हैं रेशियो। ठीक है, ऐसे ही रफली रफ में लिख रहा हूँ मैं, मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस्ड मोस्ट था। ठीक है, अब एक आता हमारा, इसी के साथ साथ आता है जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, क्या आता हमारा, जीन इंट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, और सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, सर बताएंगे आपको। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे पीछे कर देंगे। सर पीएसबी लेक्चर भी चल रहा है, दोनों का टाइमिंग सेम हो गया। चल ठीक है, तो जीन इंट्रैक्शन की बात कर रहे थे कि जीन इंट्रैक्शन क्या कर, जीन इंट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा, एक क्या था हमारा, पोस्ट मेंडेलियन था, जो मेंडेलिज्म के बाद में बताया गया। ठीक है, तो मेंडल ने बताया था कि हम जब ले रहे हैं, ठीक है, जैसे लिए थे हम लोग टॉल एंड डॉफ। ठीक है, क्या क्या लिए थे हम लोग, टॉल एंड डॉफ लिए थे, तो क्रॉस किए, एफ वन में हमारा क्या आया, टॉल आया। ठीक है, क्या है हमारा, टॉल आया। फिर एफ टू में जाने के बाद हमको, ठीक है, देखते हैं टॉल एंड डॉफ, ऐसे लिख देते हैं बस, टॉल एंड डॉफ ही आया। ठीक है, यानी मेंडल ने बताया कि जो प्लांट लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई भी गिवन प्लांट ले रहे हैं, ठीक है, वही हमारा एफ टू में आएगा, कोई अनदर प्लांट नहीं आएगा, जीनोटाइप कुछ भी चेंज हो, लेकिन जो टॉल डॉफ लिए थे तो टॉल डॉफ ही आएगा हमारा। ठीक है, बट जीन इंट्रैक्शन में क्या था, यदि हम टॉल एंड डॉफ ले रहे हैं, ठीक है, तो जब क्रॉस करा रहे हैं हम लोग एफ टू जनरेशन में जा रहे हैं, तो टॉल डॉफ और कोई अनदर प्लांट भी मिलेगा। ठीक है, अनदर प्लांट भी मिल रहा था, जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ और स्टडी के बारे में पता चला। ठीक है, इसमें क्या होता था, जीन इंटरेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, आपस में एक्सचेंज करके कुछ नया प्लांट भी डेवलप कर दे रहे थे। ठीक है, जो प्योर प्लांट दिया गया था उसके बाद भी कुछ अनदर प्लांट का डेवलपमेंट हो जा रहा था, बट मेंडल ने ये बताया था कि जीन इंटरेक्ट नहीं होते, आपस में जुड़ते नहीं है, कभी भी जुड़ते नहीं है आपस में। ठीक है, दोनों अपना अलग अलग है, दोनों अपना अलग इफेक्ट है, जिसको समय मिलेगा, जो डोमिनेंट है अपना डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, जो डोमिनेंट नहीं है वो कोई रिसेसिव की तरह बैठा रहेगा चुपचाप। ठीक है, तो ये था हमारा जीन इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री डुप्लीकेटिंग जीन के बारे में पढ़ लिए थे कि कैसे कैसे है, और उसमें हम लोगों ने रेशियो भी देख लिया था। ठीक है, कि रेशियो क्या क्या होते हैं हमारे। ठीक है, चलो उसी को आगे प्रोसेस को बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, एक मिनट रुकना, चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ईपी स्टेटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, ईपी स्टेटिस। ईपी स्टेटिस, ठीक है, अब देखो ईपी स्टेटिस होता क्या है। ठीक है, नाम है हमारा ईपी स्टेटिस। अब यहाँ पे दो जीन लेंगे, ठीक है, दो जीन्स लेंगे। ठीक है, अब दो जीन, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक एक क्रोमोसोम, अनदर क्रोमोसोम है हमारे, दो क्रोमोसोम है हमारे। ठीक है, अब देखो इस पे करेक्टर लोकेटेड हमारा ए, इस पे हमारा स्मॉल ए, इस पे बी एंड इसमें स्मॉल बी। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होगा कि जब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, सेट ऑफ क्रोमोसोम है और ये भी सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, क्या हो जाए हमारा डोमिनेंट ओवर, ठीक है, डोमिनेंट हो जाए इसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे हम लोग ईपी स्टेटिस जीन बोलेंगे। ठीक है, और एक ऐसा हमारा नॉन एलेलिक होना चाहिए, दोनों एलेलिक होंगे तो ऐसा काम नहीं होगा, दोनों एलेलिक में क्या होंगे हमारे, दोनों एक्सप्रेस करेंगे, बट एक एलेलिक जीन दूसरे नॉन एलेलिक के जीन के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग ईपी स्टेटिस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ईपी स्टेटिस मतलब एक जीन दूसरे नॉन एलेलिक जीन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, उसको अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं करने दे नॉन एलेलिक को, उसी को बोलते हैं ईपी स्टेटिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं डोमिनेंट जो मेंडल ने बताया था,
कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, दोनों एलेलिक जीन थे, दोनों एलील्स थे, दोनों हमारा करेक्टर ले जाते थे, तो उसमें हमारा टॉल वाला डॉप वाले को दबा देता था, तो उसे बोलते थे डोमिनेंट। यहाँ पे नॉन एलेलिक जीन का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब दो तरीके से, ए क्या है हमारा डोमिनेंट है, अभी इसके ऊपर इसको दबा दे रहा बी वाले को, तो दो नाम दिया गया इसी से, एक को बोलते हैं हम लोग डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस, ठीक है, डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, जो नॉन एलेलिक है, जो अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे बोलते हैं हाइपो स्टेटिक्स जीन या फिर हाइपो स्टेटिक ईपी स्टेटिस, ठीक है। ए हो गया हमारा, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, एक मिनट चलो, ठीक है, ए हाइपो स्टेटिक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट हमको क्रॉस भी कराने के लिए आ सकता है, क्रॉस कराने में डायरेक्ट हमको रेशियो पता हो तो अपना भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट में भी दो तरीके से होगा हमारा, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सीधे हम डायरेक्ट जो पूछा जाएगा उसकी बात करते हैं, कि पूछा गया आपको डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस, ठीक है, डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस का रेशियो कितना आता है, सिर्फ रेशियो पूछा जाएगा हमारा 12:3:1, ठीक है, ये हमारा डोमिनेंट ईपी स्टेटिस का रेशियो है 12:3:1, ठीक है, एक मिनट रुकना आप लोग। दूसरा हमारा पूछा जाएगा यहाँ से रिसेसिव ईपी स्टेटिस का रेशियो, ठीक है, दूसरा क्या पूछा जाएगा हमारा रिसेसिव ईपी स्टेटिस, रिसेसिव ईपी स्टेटिस का रेशियो कितना आता है हमारा 9:3:4। और देखना 9:3:4 हमारा दो आता था, एक था हमारा सप्लीमेंट्री जीन था और एक ऐसा था हमारा रिसेसिव ईपी स्टेटिस, सीधे रेशियो आता है। आप क्रॉस कराना चाहते हो तो क्रॉस भी करा लेते हैं हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं बस थोड़ा सा कि डोमिनेंट ईपी स्टेटिस में क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देखना, बस ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग ले लीजिए, जैसे मान लो स्मॉल वाई से आता नहीं है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अब फिर सेम वही क्रॉस कराना है, कैपिटल वाई स्मॉल, ये देखो ये मिल गया हमारा, ये F1 है, फिर यहाँ से हमारे गैमीट बनेंगे, 4 गैमीट बनेंगे, तो 9:3:3:1 इतना है, इतना ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा है, छोड़ दो इसको, ठीक है। आपको रेशियो बस याद रहना कि रेशियो क्या होता है हमारा, वो हमको पता रहना चाहिए, डोमिनेंट ईपी स्टेटिस एंड रिसेसिव ईपी स्टेटिस का रेशियो कितना आता है जब क्रॉस कराते हैं इंस्टेंट टू ऑफ 9:3:3:1 के जगह हमारा जो रेशियो आ रहा है हमारा 12:3:1 आ रहा है और 9:3:4 आ रहे हैं हमारे, ठीक है, ये रेशियो याद रखना। अब देखो नोट करके हम लोग जितने रेशियो हैं, कुछ और भी रेशियो हैं, तो सबको एक साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, सबको एक साथ में लिख लेते हैं कि जीन इंटरेक्शन, जो जीन इंटरेक्शन पढ़े थे हम लोग, कि दोनों क्या कर रहे थे अलग अलग अपना, उसमें मेंडल में अलग था, इसमें क्या कर रहे थे दोनों कंबाइन हो जा रहे हैं, तो इस तरह के पोस्ट मेंडलिज्म इंटरेक्शन कितने हैं। तो फर्स्ट है हमारा जो ऊपर लिखे हैं, लिख लेते हैं सब एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस, ठीक है, पहला हमारा डोमिनेटिंग ईपी स्टेटिस, पहले नाम लिख लेते हैं, फिर रिसेसिव ईपी स्टेटिस, ठीक है, सेकेंड हो गया। थर्ड हम लोग पढ़ लिए थे, जो जो पढ़ लिए हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा, कंप्लीमेंट्री जीन। फोर्थ था हमारा सप्लीमेंट्री जीन, ठीक है, फिफ्थ था हमारा डुप्लीकेट या डुप्लीकेटिंग जीन्स, सिक्स है हमारा जो हम लोग नहीं पढ़े थे कोबलरेटिव जीन, और सेवेंथ है हमारा पॉलीमेरिक जीन। ये टेबल ही बना दे रहे हैं जिससे आपको पूरा तैयार रहेगा कि हमारा क्या क्या जीन है हमारे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डोमिनेंट ईपी स्टेटिस का रेशियो कितना था हमारा 12:3:1, रिसेसिव का 9:3:4, कंप्लीमेंट्री का आपको बताया थे 9:7, सप्लीमेंट्री का 9:3:4, डुप्लीकेट का 15:1, इसका था हमारा 9:6:1 एंड सॉरी
ये ऊपर नीचे हो गया, ये कोवलेटरी जीन का था हमारा 9:3:3:1 और पॉलीमेरिक का हमारा 9:6:1। ठीक है, ये आपके कुछ टेबल्स हैं, ठीक है, जो हमारा जीन इंटरेक्शन या पोस्ट मेंडेलिज्म इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ये 7 हैं जो जीन इंटरेक्शन दिखाते हैं। सबके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें आपको हम मैंने 3, 4 या 5 तक हम लोगों ने, 5 तक हम लोग ने देख लिया था, 3, 4 तो क्रॉस भी कराया था, कैसे कैसे क्रॉस कराया था, नेक्स्ट पिछले टर्न पे हम लोगों ने इस सबके बारे में स्टडी कर लिया था। ठीक है, कुछ भी नहीं याद आ रहा उस समय आपको, ठीक है, कुछ भी ब्रेन नहीं काम कर रहा, तो आप सिर्फ एक टेबल बना लेना A4 साइज पे, आप लोग घर पे सब लोग A4 साइज सबके पास होंगे, A4 साइज पे पेपर में बना के लिख के कहीं पे चपका दीवार पे लगा लेना। ठीक है, तो इससे याद रहेगा आपको कि क्या क्या करना है। ठीक है, अब आ जाओ, अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको बोला गया पॉलीजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, या फिर दूसरा नाम इसको बोला जाता है हमारा क्वांटेटिव, दूसरा नाम बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंटरेक्शन या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, अब आ जाओ, ठीक है, अब देखना, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, क्रॉस हम लोगों ने पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पढ़ लिया था, अब यहाँ पे जो क्रॉस होगा वो ट्राई हाइब्रिड का होगा, बट इससे हम लोग थोड़ा सा और आगे, ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सा है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी ये पेन कौन सा है, दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है, क्या हो रहा है, हाँ चलो, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसमें हमारा है स्किन कलर इन ह्यूमन। ठीक है, स्किन कलर इन ह्यूमंस की बात करते हैं, जो स्किन कलर होता है ह्यूमन की उसकी बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में या फिर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना कि हम लोग देखते हैं कि स्किन कलर कैसा कैसा होता है, एक पूरा ब्लैक, ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है हमारे, वेस्ट इंडीज जो जहाँ पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, वो तो आपको दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एकदम ब्लैक होते हैं। ठीक है, दूसरे हम लोग विदेश में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे वाइट होते हैं, बहुत ज्यादा वाइट, और हम लोग बीच वाले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हैं। इसके लिए हमारा ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा सिक्रीशन करता है जिसके कारण होता है। ठीक है, उस हार्मोन, ठीक है, उस हार्मोन का नाम भी पूछा जाता है आपको। ठीक है, कि हार्मोन कौन सा है। ठीक है, अच्छा बेटा, सर हमारा एनाटॉमी का लेक्चर चालू था। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे आपको, मिल जाएंगे बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलो, स्किन कलर इन ह्यूमन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बात कर रहे हैं हम लोग कि स्किन कलर किसके कारण होता है। ठीक है, स्किन कलर हमारा एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मिलेनिन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मिलेनिन्स बोलते हैं, जिसके कारण हमारा कलर्ड बनता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, मिलेनिन होता है जिसके कारण हमारा कलर से प्रोड्यूस होता है। यदि मिलेनिन ना रहे तो हमारी बॉडी की कलर प्रोड्यूस नहीं होगी। एक मिनट चलिए, ठीक है, तो हमारा मिलेनिन होता है, सॉरी बच्चों कोई अर्जेंट कॉल था। ठीक है, तो मिलेनिन के कारण हमारा कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का सर स्किन कलर मेलानोसाइट होता है। यस सर, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, 4:30 PM पे हमारा लेक्चर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सर से एक बार बात कर लेंगे कि क्या लेक्चर का है। ठीक है, अभी आप आज तो पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कल देखा जाएगा। ठीक है, जो हो चुका हो चुका। ठीक है, तो मिलेनोसाइट, बहुत सही, वेरी गुड, जिसके कारण मिलेनिन होता है। ठीक है,
तो देखो अब इसके लिए बताया गया ठीक है कि इसके लिए थ्री जीन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए हमारा ह्यूमन कलर के लिए थ्री जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसको डिनोट किया गया ए बी एंड सी, ये तीन जीन रिस्पॉन्सिबल है स्किन कलर के लिए ठीक है। अब पूछा जाता है किसने एक्सप्लेन किया था, कि किसने एक्सप्लेन किया था, कभी कल साइंटिस्ट पूछे जाते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसने बताया था, तो डेवनपोर्ट ठीक है, डेवनपोर्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। थ्री जीन है हमारे ए बी सी ठीक है। अब आ जाओ, अब बोला गया कि क्या ऐसा हुआ, मिलेनिन जानते हैं, मिलेनिन हमारा कौन सा ग्लैंड निकालता है, याद रखना उसको बोला जाता है पीनियल ग्लैंड बोला जाता है, इसको बोलते हैं, पहले साइंटिस्ट ग्लैंड के बारे में नहीं जब जानते थे ठीक है, ग्रंथि के बारे में नहीं जानते थे उस समय उनको, उसको बोला गया थर्ड आई ऑफ मैन बोलते थे, जो कलर के लिए होता है, और जानते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का जो वर्क करता है वो कौन होता है, हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसको हम 11th में पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, ब्रेन में होता है हमारा, छोटा सा होता है, जैसे हम लोग अंधे जो है ठीक है, जो मतलब जिनकी आंख नहीं है उनमें पीनियल ग्लैंड मोर एक्टिव रहता है, सेंसेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, और जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल चल रही है जो अभी लाइफ टाइम में सबको कंट्रोल कौन करता है, हमारा पीनियल ग्लैंड करता है, जैसे हम बायोलॉजिकल साइकिल कंट्रोल करेंगे उसी तरह हमारा पीनियल ग्लैंड वर्क करता है ठीक है। चलो तो यहाँ पे बताया गया तीन जीन है, अब तीनों जीन में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी तीनों प्रेजेंट हो, तीनों स्मॉल लेटर में हो, तीनों कैसे हैं, तो कैसा कैसा कलर प्रोड्यूस होगा, यदि मानते हैं हमारा कि तीनों क्या है हमारा कैपिटल में है, यानी हमारा सिक्स डोमिनेंट है, सिक्स क्या है हमारे डोमिनेंट है, पहला कंडीशन ये है ठीक है, बीच वाला भी नहीं लिख रहे हैं। सेकेंड कंडीशन हम लोग लिख रहे हैं कि ये क्या है हमारा थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रिसेसिव कंडीशन में है ठीक है, क्या है हमारे थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रिसेसिव कंडीशन में है सेकेंड। थर्ड की बात करेंगे कि सारे के सारे हमारे क्या है रिसेसिव कंडीशन में है, सारे के सारे हमारे रिसेसिव कंडीशन में है, मतलब हमारा सिक्स रिसेसिव कंडीशन में है, तो फिर कलर कैसा होगा ठीक है, फिर बोला गया कलर कैसा हो सकता है ठीक है। चलो तो सिक्स डोमिनेंट है, बोला गया कि मैक्सिमम मिलेनिन सिक्रीशन होगा, क्या होगा मैक्सिमम मिलेनिन सिक्रीशन होगा, यदि मैक्सिमम मिलेनिन हो रहा है तो कैसा कलर होगा हमारा ब्लैक ठीक है, कैसा कलर होगा हमारा ब्लैक, यानी सिक्स डोमिनेंट यदि ए बी सी तीनों डोमिनेंट कंडीशन में है तो कैसा कलर होगा हमारा ब्लैक होगा ठीक है, और थ्री डोमिनेंट थ्री रिसेसिव तो कलर कैसा होगा हमारा इंटरमीडिएट ठीक है, कैसा होगा हमारा इंटरमीडिएट, यहाँ पे मैक्सिमम तो कलर भी कैसा होगा हमारा इंटरमीडिएट, यानी ना ज्यादा ना कम, यहाँ पे हमारा सिक्स रिसेसिव है तो नो मिलेनिन ठीक है, नो मिलेनिन कोई भी मिलेनिन का सिक्रीशन नहीं होगा, तो जब मिलेनिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो कलर कैसा होगा हमारा एल्बिनोज, कैसा हो जाएगा हमारा एल्बिनोज हो जाएगा ठीक है। ये तीन आपको दिए जाएंगे कि ए बी सी तीन जीन है जिसमें हमारा सिक्स डोमिनेंट है तो मैक्सिमम मिलेनिन कलर कैसा हो जाएगा हमारा ब्लैक ठीक है, यदि हमारा इंटरमीडिएट है सिक्स डोमिनेंट थ्री डोमिनेंट थ्री रिसेसिव तो कलर कैसा होगा हमारा इंटरमीडिएट, बट सिक्स रिसेसिव यानी कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो मिलेनिन सिक्रीट करेगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास जीन के पास है ही नहीं रिसेसिव है वो, तो कलर कैसा होगा हमारा एल्बिनो होगा कलर ठीक है, ये हमारा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके बाद थोड़ा सा ठीक है, कि बोला गया सिक्स डोमिनेंट हमारा एल्बिनो ठीक है, तो चलो अभी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं ठीक है, क्रॉस कैसे कर लेते हैं कि हमारा क्या है ए ए बी बी एंड सी सी, सिक्स डोमिनेंट क्रॉस विथ रिसेसिव से करेंगे हम लोग, जानते हैं हम लोग ये पढ़ चुके हैं हम लोग सी स्मॉल सी ठीक है। अब ये कैसा है हमारा ब्लैक कलर है, ये कैसा है हमारा एल्बिनो ठीक है। अब यहां से आएगा हमारा गैमेट, जानते हैं हमारा गैमेट क्या क्या बनेगा ए बी सी, और यहां से भी क्या बनेगा हमारा ए बी सी, अब दोनों को आपस में मैच करा देंगे, जैसे ही मैच कराए तो हमारा बना, ये हम लोग गैमेट बनाना सीख चुके हैं पहले भी ठीक है। अब देखो ये कैसा हो जाएगा हमारा इंटर मीडिएट, कैसा हो जाएगा हमारा इंटरमीडिएट हो गया हमारा कलर, कैसा हो गया हमारा इंटरमीडिएट। अब जानते हैं यहां से पूछा गया कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे ठीक है, तो यानी कि वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी थ्री, तो टू द पावर एन
ठीक है, 2d पावर n, तो कितने गैमिट हो गए हमारे 8, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 8 गैमिट बनेंगे। अब कौन कौन से गैमिट बनेंगे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोगों को बना के बताए थे, एक बनेगा हमारा, चलो इस तरह बना लेते हैं फटाफट, बी 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 एंड बी, फिर यहाँ से सी 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 स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, जो नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब आगे इसको क्रॉस करते हुए चले चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा यहाँ से नंबर ऑफ गैमिट कितने बनाने, 8, और 8 × 8 करना है, तो ए बी सी ए बी स्मॉल सी ए बी, ठीक, देखो हमारे 8 गैमिट यहाँ मिल गए, ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो नंबर ऑफ कितने टोटल गैमिट बन गए 8। अब हमको यदि F2 जानना है तो हमको इस 8 गैमिट से 8 गैमिट को क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमको F2 जनरेशन में जाना है, तो F1 क्रॉस विथ F1 ऑफ स्प्रिंग, तो 8 है, 8 यहाँ से कर दो, कितने हो गए, यानी हमको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है हमारा यहाँ पे, देखो कैसा चल रहा है हमारा, 3 गैमिट लिए हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कितने हमारे जीन रिस्पॉन्सिबल है, ए बी एंड सी, 3 जीन है, वहां पे हम लोगों को दो दो देख रहे थे, टी या स्मॉल टी जो भी है, पी पी आर आर दो, ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ गैमिट कितने बन गए हमारे 64। अब 64 बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 64 बनाएंगे कैसे, बना भी सकते हो आप लोग घर पे, ठीक है, तो करना क्या है आपको, ठीक है, करना कुछ नहीं है, देखो ध्यान देना बस थोड़ा सा, ठीक है, ये आसान तरीका बताने के बनाने का, यदि बनाना है हमको, ठीक है, तो पहला गैमिट लिख लेते हैं हम लोग, 2-3 गैमिट की बात कर लेते हैं कि ए बी सी, सेकेंड था हमारा ए बी स्मॉल सी, यहाँ भी वही सेम लिखेंगे हम लोग, अभी हम दो ही बना रहे हैं, यहाँ भी हो गया ए बी कैपिटल सी ए बी स्मॉल सी, अब देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो ए ए बी बी कैपिटल सी यहाँ पे ए बी एंड सी, देखो अभी और भी तरीका बताएंगे, ए हो गया हमारा स्मॉल सी, यहाँ पे ए बी बी स्मॉल सी, ठीक है, अब इसी तरह आपको आगे करते चलते आना है, 64 गैमिट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, या तो आप इस तरह कर लो गैमिट, ठीक है, या तो सेकंड सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या लिख दें, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, 6 हमारे, 6 के 6 क्या है हमारे डोमिनेंट, यहाँ पे लिख दें 6 डोमिनेंट, यहाँ पे हो गया 6 डोमिनेंट, यहाँ पे कितने डोमिनेंट है हमारे 5 डोमिनेंट, यहाँ पे कितने हमारे 5, और यहाँ पे कितने हो गए हमारे 4, ठीक है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, बस ऊपर लिख दिए और जोड़ते हुए चले गए 5 4 5 4 6, ऐसे करते हुए चले गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह मिलेंगे हमारे, ठीक है, तो इस तरह आपको निकालने पड़ेंगे वहां पे कि 6 डोमिनेंट कितने हैं, 5 डोमिनेंट कितने हैं, 4 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट, ठीक है, ये आपके नंबर निकालने हैं, कितने गैमिट में से हमको 64 गैमिट में से ये फाइंड करना पड़ेगा ये क्रॉस करके, ठीक है, तो घर पे क्रॉस करना आप लोग, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन अब हमको पता क्या है, देखो ऊपर हमको बस पता है 3 चीजें, कि 6 डोमिनेंट है तो मैक्सिमम मिलेनियन हमारा, चलो तो बता देंगे कि सर 6 डोमिनेंट है तो एक हमारा ब्लैक मिल गया, 3 डोमिनेंट, 3 रिसेसिव है तो इंटरमीडिएट हो गया, 6 रिसेसिव है तो एल्बिनो, बट सर 5 डोमिनेंट हो जाए, 4 डोमिनेंट हो जाए, 2 डोमिनेंट हो जाए, 1 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट, ठीक है, तो कलर कैसा हो सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको लिख लेते हैं, ठीक है, कि 6 डोमिनेंट है तो कलर कैसा हमारा ब्लैक, 5 डोमिनेंट आएगा तो कलर कैसा होगा वेरी डार्क, 4 डोमिनेंट है तो ओनली फॉर डार्क, 4 के बाद कौन सा आ गया हमारा 3 डोमिनेंट है, तो ये तो जानते हैं हम लोग क्या है इंटरमीडिएट, 2 डोमिनेंट की बात करते हैं तो कैसा होगा हमारा फेयर, 1 डोमिनेंट वेरी फेयर, और 0 डोमिनेंट की बात करते हैं तो कैसा हो गया हमारा एल्बिनो, ठीक है, ये भी चीजें आपके रखना। अब देखो दूसरा चीज साथ साथ और भी चीज लिख देता हूं मैं, ठीक है, कि 6 डोमिनेंट यानी यहाँ पे क्या कर रहा है 0 रिसेसिव, यहाँ पे 1 रिसेसिव, यहाँ पे 2,
यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, फाइव, यहाँ पे सिक्स रिसेसिव, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चाहे रिसेसिव से पूछे चाहे डोमिनेंट से, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि सिक्स डोमिनेंट है तो ब्लैक आएगा, फाइव डोमिनेंट तो वेरी डार्क, फोर डोमिनेंट तो डार्क, थ्री डोमिनेंट इंटरमीडिएट, टू डोमिनेंट फेयर, वन डोमिनेंट वेरी फेयर, एंड जीरो डोमिनेंट कैसा होगा, एल्बिनो कलर होंगे, ठीक है। ये बताया गया है, जीन लिखा गया था, ये जीन देखा गया है हमारे बॉडी में कि इस तरह के वर्क करते हैं कि सारे के सारे डोमिनेंट तो कलर ये होगा, यदि कम है उससे तो कलर चेंज हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि यही कलर होंगे, ठीक है। एक पूरी ब्लैक होते हैं, एक डार्क होते हैं, डार्क इंटरमीडिएट फेयर वेरी फेयर एल्बिनो हम लोग देखे भी हैं जानते भी हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है, अब यहाँ से पूछा जाएगा कि सिक्स डोमिनेंट 64 में से सिक्स डोमिनेंट गैमीट कितने मिलेंगे, ठीक है। सिक्स डोमिनेंट गैमीट कितने मिल सकते हैं, तो सिक्स डोमिनेंट मिला हमको ओनली फॉर वन मिलेगा, आप क्रॉस कराओगे तो पता चलेगा। फोर डोमिनेंट में हमारा सिक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टू डोमिनेंट, ठीक है, 20, फिर यहां से सेम है सिक्स और यहाँ पे, ठीक है। देखो 20 बीच में थ्री डोमिनेंट वाले, थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रिसेसिव वाले हमारा प्लांट कितने तरह के मिलेंगे, स्किन कलर वाले 20 नंबर में होंगे 64 में से, और दोनों हमारे कितने होंगे, उसके ऊपर सेम, उसके नीचे भी सेम, रिसेसिव की बात करें या फिर डोमिनेंट की बात करें, ठीक है, दोनों का रेशियो सेम आता है। तो इसका रेशियो जो पूछा जाता है हमारा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो कितना होता है, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, ठीक है, ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं रेशियो, ठीक है। और रेशियो आप कराना, घर पे कराना, कोशिश करना, ठीक है, कि कराने की कोशिश करना, ठीक है, कि कैसे कैसे होंगे, ठीक है, कि 64 सर बता रहे हैं सही है कि गलत है, ठीक है। वह क्रॉस कराना, चेक करना आप लोग कि कितने डोमिनेंट आ रहे हैं, थ्री डोमिनेंट वाले कितने आ रहे हैं, टू डोमिनेंट, वन डोमिनेंट, जीरो डोमिनेंट, फोर डोमिनेंट, फाइव डोमिनेंट एंड सिक्स डोमिनेंट वाले कितने पौधे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक ग्राफ भी आता है, सेम ग्राफ, कुछ ज्यादा ग्राफ वैसा नहीं है, बस ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। ये वेल सेव का ग्राफ आता है, जिसमें लिखते हैं क्या, सबसे टॉपेस्ट पोजीशन पे हमारा है थ्री डोमिनेंट एंड थ्री रिसेसिव, यानी 20, जो 20 नंबर वाला इधर सेम है, फिर उसके बाद आएगा हमारा 20 के बाद यहाँ पे फिर सिक्स फिर वन, यहाँ पे सिक्स फिर, ठीक है। तो ये बेल टाइप का पूछा जाता है कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या फिर इस तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बेल शेप का जो है हमारा किस इनहेरिटेंस का ग्राफ है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, क्योंकि बीच में हमारा थ्री डोमिनेंट थ्री रिसेसिव, इधर हमारा सेम है और इधर दोनों के अदर पोर्शन, हाफ पोर्शन पे दोनों हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें यहाँ पे कैसा था हमारा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा था, जिसका रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया और देख लिया कि ह्यूमन कलर के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो कोई भी आदमी का कि कैसे कैसे हो सकता है, यदि पूरा ब्लैक है तो क्या होगा हमारा, ठीक है, कि हाफ ब्लैक है या हाफ ब्लैक करें, वेरी डार्क है, डार्क है, ठीक है, फेयर से वेरी फेयर, एल्बिनो पूरा व्हाइट दिखते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट होता, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हम लोग को नहीं लगता, हम लोग को दूसरे के अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इस तरह करके हमारे कलर से देखा जाता है कि ऐसे ऐसे हमारे डोमिनेंट हैं, करेक्टर्स हैं, जिनके कारण ये कलर प्रोड्यूस होता है, चेंजेज होते हैं, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, किसी को डाउट एनीवन, तो फिर आगे बढ़े। हाँ सही है मेरी प्रियंका, बहुत सही है सर, एल्बिनो मीन्स व्हाइट हो क्या, हाँ एल्बिनो मीन्स बहुत ज्यादा व्हाइट बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे बोलते हैं एल्बिनो, वो नहीं याद रखना, ठीक है। एक होता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि एक कलर होता है जिसमें क्या होता है हमारा, देखते हो कि ये पूरे व्हाइट बाल, ठीक है, व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, आंखें छोटी हो जाती है, बहुत धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है, वो नहीं है, वो एल्बुमिन नहीं है, वो दूसरा है हमारा, जीरोथैलमिया बोलते हैं उनसे, ठीक है, वो क्रोमोसोमल कुछ डिजीज होते हैं, कोई वैसा डिजीज नहीं है कि हम दवा लेना पड़े हमको या फिर किसी को छू देंगे हो जाए, हमारे जेनेटिकली डिजीज हो जाता है, इसको बोलते हैं जीरोथैलमिया बोलते हैं, ठीक है। एक एल्बिनो बहुत ज्यादा व्हाइट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे बोलते हैं व्हाइट कलर का एल्बिनोज बोलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। और इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े हम लोग, कुछ टॉपिक्स आगे बढ़ाते हैं, सप्लीमेंट्री हो गया हमारा, ठीक है, बहुत आसान है, उसके बाद तो लगभग हमारे सारे क्रॉस से लगभग खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, चलो ठीक है।
चल अब आ जाते हैं हम लोग, हेडिंग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, बहुत आसान है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन। ये बीच बीच में आज टाइम में कुछ प्रॉब्लम है। चल सेक्स डिटरमिनेशन ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि 22 जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं हमारे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। लास्ट वाला ही क्या करता है हमारा, सेक्स डिटरमिनेशन करता है, जो 23 वही अलग होता है। फीमेल में सबका सब सेम होते हैं हमारे, मेल में ही 23 वाला अलग होता है, एक्स एंड वाई होता है, जिसके कारण हमारा सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो सेम हमारा करते चलते हम लोग। ठीक है, कि मेल व फीमेल की बात करें, यानी ह्यूमंस की बात करें। ठीक है, कि ह्यूमन में कैसा होता हमारा, रुक जाना एक मिनट, किसी का चैट क्या क्वेश्चन आया है सर, इलिनॉय में स्वाइट होता है सर, बफर हो रहा है स्लाइड। ओके 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 ओके, नेटवर्क का हो सकता है इशू आ रहा होगा बेटा। ठीक है, स्लाइड बफर हो रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क के इशू आ रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो इस नाते कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, लेकिन अनदर तो सही चल रहा है अभी। ठीक है, चेक करना एक बार नेटवर्क, आप अपना चेक करना फिर सही करना। ठीक है, हो सकता है मे भी सही हो जाए। चलो ठीक है, जिसमें से हम लोग बात करते हैं, देखो एक हमारा फर्स्ट है हमारा। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, ये पहला हमारा। ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप का हमारा फर्स्ट है। तो जिसमें हम लोग बात करते हैं कि एक्स एक्स है जो हमारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मेल को, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो तो हम जानते हैं, सीधे एग्जांपल लिखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, कि एग्जांपल क्या होगा इसका। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन ये जानते हैं हमारा, और नेक्स्ट हमारा है ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला। ठीक है, दो हमारे जो हमारा सेम होता है, एक्स एक्स हमारा फीमेल को और एक्स वाई हमारा क्या होता है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये सब पूछे जाते हैं आपको, ये तो आपको सबको पता है, तो कर ही लेंगे, तो पूछा भी नहीं जाएगा। अब सेकेंड आता है एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप। ठीक है, सेकेंड आ गया हमारा एक्स एक्स एंड एक्स जीरो टाइप के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये पहला हमारा था। देखो एक्स एक्स हमारा क्या था, मेल था, तो यहाँ भी क्या होगा हमारा, ये हमारा एक्स एक्स क्या था, फीमेल, और यहाँ पे एक्स जीरो मेल, यानी सेम ह्यूमन वाला ही है, बस वाई की जगह वहां पे कोई भी क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा किसमें पाया जा सकता है हमारा, इसकी बात करते हैं आगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ग्रॉस हॉपर्स। ठीक है, जो क्या हो रहा है आज। ठीक है, ये आ गया हमारा ग्रॉस हॉपर। ठीक है, ग्रॉस हॉपर एनसीईआरटी के सारे हैं हमारे। ठीक है, ग्रॉस हॉपर्स में क्या होता है हमारा, एक्स एक्स फीमेल को एंड एक्स जीरो क्या होता है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड की बात करते हैं कि थर्ड टाइप का कौन सा होगा हमारा, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप। ठीक है, ये पूछा जाता है, जितने भी हैं सबके सब पूछे जाएंगे। अब पूछा रहा है यहाँ पे देखो, जैसे सेम था, ठीक है, अभी जो ऊपर देख रहे थे जो सेम था वो किसको करता था, फीमेल को, जो डिफरेंट था वो मेल को। ठीक है, बट अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो सेम है वो करेगा हमारा मेल को, और जो डिफरेंट है वो किसको करेगा डिनोट हमारा, फीमेल को। ठीक है, अब इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन किस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। ठीक है, इस तरह का डिटरमिनेशन किस ऑर्गेनिज्म में हो सकता है हमारा, तो एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल में तो पहला है हमारा बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स हमारे में ये होते हैं हमारे, जो जिसमें हमारा, ठीक है, बटरफ्लाईज हैं और भी कुछ बर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप का हमारा सेक्स डिटरमिनेशन यही सेम करना है, जेड जेड एंड जेड जीरो टाइप। ठीक है, जेड जेड एंड जेड जीरो टाइप। ठीक है, तो ये कैसा हमारा, ये तो वही है सेम, और ये यहाँ पे फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल और भी है एनसीईआरटी में दिया रहेगा। ठीक है, मौत। ठीक है, एंड लिख सकते हैं फ्यू बटरफ्लाईज, बटर फ्यू सब नहीं, बटरफ्लाई,
मोस्टली जो होते हैं हमारा कौन से करते हैं हमारे इस बर्ड्स में आते हैं बटरफ्लाईज, ठीक है। बट फ्यू बटरफ्लाईज हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जेड जेड एंड जेड जीरो होता है, बट बट बर्ड्स में देखा जाए तो जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू। तो याद रखना आप लोग, ठीक है, कि एक्स एक्स जो यदि सेम है तो एक्स एक्स यदि डिनोट कर रहे हैं तो कैसा होगा हमारा फीमेल, लेकिन जेड जेड जब कर रहे हैं हमारा दूसरा सेंटेंस आ रहा है दूसरी लैंग्वेज, ठीक है, तो उसमें कौन सा करेंगे हमारा फीमेल, जेड जेड है एंड जेड डब्ल्यू कैसा हमारा जेड जेड मेल है एंड जेड डब्ल्यू क्या हमारा फीमेल्स को डिनोट करता है, ठीक है। और ये हमारा टोटल एनसीईआरटी से है, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। आरटी के और पूछा भी जाता है, डायरेक्ट आपको एग्जांपल पूछा जाता है सेक्स डिटरमिनेशन का, यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जांपल पूछा जाएगा कि यदि इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन किसको डिनोट करेगा, या तो देख देगा या तो फिर एग्जांपल देगा उसका सेक्स डिटरमिनेशन आपको बताना, दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो एग्जाम्पल बेस पर पूछा जाएगा या तो टाइप दिया रहेगा आपको एग्जाम्पल ढूंढना रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है तीन चार एग्जाम्पल दिए रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे एक साथ तीन चार एग्जाम्पल दिए भी जा सकते हैं, तो आपको उसमें एनसीईआरटी को पिकअप करना है कि ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चीजें हो गई जो सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं हम लोग, कुछ जगह सेक्स डिटरमिनेशन अदर चीजों से होती है, ठीक है, इससे नहीं, हम लोग कुछ अदर चीजें हैं जैसे हमारा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तब की बात होती है, ठीक है, कि टेम्परेचर है हमारा कम या बेसी कर रहे हैं तो हमारा सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ठीक है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते हो जो टेम्परेचर के बेसिस पे उसका सेक्स डिटरमिनेशन होता है कि टेम्परेचर ज्यादा या कम हो रहा है तो मेल या फीमेल बन जाएगा, कोई एग्जांपल आप जानते होगे तो बताओ कि टेम्परेचर के बेसिस पे, एनीवन, ठीक है, कि टेम्परेचर के बेसिस पे एग्जांपल अलग अलग बात करेंगे, ठीक है, आपके पास टाइम है बता सकते हो, ठीक है, कि टेम्परेचर यदि हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है आप लोगों ने देखा भी होंगे, ठीक है, आपके राजकोट में गुजरात में है, देखने भी गए होंगे, घूमने गए थे वहां पे, सब लोग जाते हैं, ठीक है, ट्राई कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे। चलो सोचो सोचो जल्दी जल्दी कि ऐसा क्या देखे होंगे अगल बगल हम लोगों ने, ठीक है, कि टेम्परेचर के बेसिस पे आ गया, ठीक है, चैट में ना लिखें, क्यू एंड ए में लिखें आप लोग, कैमलियन, ठीक है, अच्छा गुड गुड, चलो कुछ तो सोचे, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है, बताते हैं, ठीक, बहुत आसान है हमारा, ठीक है, अभी पढ़ देखोगे तो आपको कहोगे अरे सर ये तो हम जानते ही थे, देखे भी हैं, ठीक है, कौन सा हमारा क्रोकोडाइल्स, याद रखना से क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स, ठीक है, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड की बात कर रहे हैं, तो यदि टेम्परेचर लो, ठीक है, टेम्परेचर लो तो फीमेल डेवलप होती है, और यदि हाई टेम्परेचर की बात करें तो कैसा होगा हमारा मेल होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड में इसी तरह बनता है, मेल है फीमेल, टेम्परेचर के बेसिस पे टेम्परेचर लो तो फीमेल और टेम्परेचर हाई तो मेल, ठीक है। दूसरा टर्टल्स की बात करें, ठीक है, आप लोग गए होंगे प्रद्युम्न पार्क के राजकोट में शायद है, ठीक है, जिसमें आप लोग गए होंगे घूमने, वहां पे दिखते हैं, यहाँ पे जैसे उल्टा होता है कि लो यदि टेम्परेचर है, क्या हमारा लो टेम्परेचर है तो मेल, और हाई टेम्परेचर है तो कैसा होगा फीमेल, ठीक है, ये कुछ हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है, ठीक है, हाँ सही है, टर्टल्स एलिगेटर, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ठीक है, तो यही सब हमारे प्रद्युम्न पार्क में शायद आपके हैं राजकोट में, ठीक है, तो ये हम लोग वहां पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताना, ठीक है, कैसे डेवलप हुआ कि टेम्परेचर कम है इसमें तो मेल है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो कैसा हमारा फीमेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप उनको समझा सकते हो जो साथ में घूमने गए, उनको बता भी सकते हो आपके साथ जो गए हुए हैं, ठीक है। अब एक और कुछ भी हमारे कुछ हनीज भी जाते हैं, ठीक है, देखना ज्यादा कुछ नहीं है, हनी बीज की बात करते हैं, तो हनी बीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि अनफर्टाइल फर्टाइल एक क्वींस होती है, वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वर्कर्स एंड क्वीन एंड सोल्जर, तीन तरह के होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में,
कि क्वींस कैसी होती है हमारी, वही फर्टाइल होती है। क्वींस फर्टाइल होती है बट दो तरीके से हमारा, एक डिवीजन करती है फर्टाइल और एक हमारा अनफर्टाइल। जो हमारा अनफर्टाइल होता है उससे बनता है हमारा मेल ड्रोन्स बनता है, और जो फर्टाइल होता है वहां से हमारा क्वींस एंड स्टराइल वर्कर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से, रुक जाओ एक मिनट और देख लो कुछ टॉपिक तो नहीं है बीच में। ठीक है, वैसे हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। डुप्लीकेटरी जीन हो गया, कोब्लेटर, कम्प्लीमेंट्री जीन, प्लियोट्रॉपिक, मल्टीपल एलील्स की कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हमारा आएगा म्यूटेशन। ठीक है, अब जो टॉपिक्स है हमारा, ठीक है, अब म्यूटेशन आएगा। ठीक है, कि म्यूटेशन कैसे कैसे होता है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग म्यूटेशन। क्या हो रहा है पेन को आज? ठीक है, रुक जाओ बेटा, पेन का कुछ इशू आ रहा है, रुक जाओ बेटा। ठीक है, चल म्यूटेशन। ठीक है, गुजराती में इसको विकृति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? विकृति बोला जाता है इसको। ठीक है, अब आ जाओ म्यूटेशन का क्या होता है, बताया था हम लोगों को। आप लोगों ने एक पिक्चर मूवीज देखी होगी हॉलीवुड बहुत ज्यादा, एक्समैन। ठीक है, एक्समैन शायद मे भी सब लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जितने सब म्यूटेंट थे, बोला गया है म्यूटेंट थे। ठीक है, एक्समैन था, उसके हाथ में से वो निकलता था, फिर उसमें मैग्नेट था, फिर ब्रेन वाले थे, अलग अलग आग लगा देते थे, बर्फ जमा देते थे, सब क्या थे? म्यूटेंट थे। म्यूटेंट मतलब नॉर्मल जो आदमी, उनसे कुछ अलग हटके, उसमें कुछ ऐसे जीन पाए गए जिनके कारण उनके कुछ करेक्टर चेंज हो गए। ठीक है, अब एक कैसे होता है, ठीक है, अब एक होता है धीरे धीरे हमारे बॉडी में चेंज हो, जैसे अब हम लोग में चेंज होता है, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज हो रहा है हम लोग चेंज होते जाते हैं। ठीक है, पीढ़ी दो पीढ़ी हमारी धीरे धीरे चेंज हो रही है, सडनली चेंज नहीं हो रही। यदि कोई चीज सडन चेंज हो जाए, ठीक है, आज आप देखे थे दूसरा 10 दिन बाद या 1 महीने 1.5 महीने बाद उसका सडन चेंजेज हो गया, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, जो इसका मेकअप था, जेनेटिक्स था, जीन था। ठीक है, आज कुछ अलग रिपोर्ट आया, 10 दिन बाद हम जब रिपोर्ट किए तो उसमें चेंजेज हो रहे हैं, बहुत जल्दी चेंजेज हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप जो था उसमें चेंजेज हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन। ठीक है, अब आता है इसमें कि चलो इसकी डिस्कवरी किसने किया, कौन भाई डिस्कवरी कर दिया इसकी। ठीक है, तो जो डिस्कवरी किए थे उसे बोलते हैं हम लोग ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ये हम लोग को पढ़े थे आगे भी, ह्यूगो डी ब्रिज, कॉल कोरेंस एंड तेस्मान। ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल भी किए थे। ठीक है, और दूसरा ह्यूगो डी ब्रिज हमारे किया थे म्यूटेशन की भी डिस्कवरी किसने किया था, हमारा ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ठीक है, किस पे किया था, कौन सा प्लांट था, उस प्लांट का नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इवनिंग प्राइमरोज, जिसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है आपको कि इवनिंग प्राइमरोज का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओनियोथेरा लैमर्कियाना। ठीक है, ये तो साइंटिफिक नेम आपको जाने हो, मेडिकल में जा रहे हैं तो साइंटिफिक नेम पे चीजों को हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ओन्टेरो लैमर्कियाना है, जिसको बोलते हैं इवनिंग प्राइमोज। तीन चीज का याद रखना, गार्डन पी पाइसम सटाइवम, स्वीट पी लेथाइरस ओडेटरस, इवनिंग प्राइमोज, ओन्टेरा लैमर्कियाना, तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिसमें से आपको गार्डन पी वाला तो याद ही रखना, पाइसम सटाइवम आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो गुड। ठीक है, ये म्यूटेशन है, सडनली चेंज हो रहे हैं हमारे जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब हमारा जब म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो केमिकल है, ठीक है, कोई तो केमिकल हो गया, कुछ होंगे, ठीक है, जो हमारा काम करते हैं तो उसको बोलते हैं, जिसके कारण चेंज हो रहा है, केमिकल हो या एक्सरे, जो कोई भी रहे हमारा, ठीक है, या फिजिकल या केमिकल जो भी चीजों का कारण हमारा हो रहा है उसे बोलते हैं हम लोग म्यूटाजेन। ठीक है, जिसके कारण हमारा म्यूटेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग म्यूटा
जन बोला जाता है, ठीक है। वो म्यूटाजन मीन्स हमारा हो गया कि जिस के कारण हमारे म्यूटेशन हो रहे हैं, चाहे वो केमिकल चीजें हो चाहे हमारा फिजिकल चीजें होंगी, ठीक है। चलो तो केमिकल कौन सा होगा हमारा, यदि बात करते हैं हम लोग कि दो चीजों के कारण होगा, या तो केमिकल सबस्टेंस के कारण होगा हमारे बॉडी में सडन चेंजेस, या फिर फिजिकल रेडिएशन के कारण, फिजिकल रेडिएशन के कारण चेंजेज हो रहे हैं, तब की बात की जा रही है, ठीक है। केमिकल में फर्स्ट आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग बेस एनालॉग्स, ये पढ़ाए जाएंगे आपको एमबीबीएस में, ठीक है। बेस एनालॉग्स कौन से होते हैं, कि ऐसा कौन सा केमिकल सबस्टेंस है जिसके लेने से हमारे जेनेटिक मेकअप सडन चेंजेज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा है 5-ब्रोमो यूरेसिल, 5-ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है, जिसको बोलते हैं 5-BU, ठीक है। सेकेंड आता हमारा 5-IU, ठीक है, 5-IU मतलब आइडो यूरेसिल, ठीक है। ये बेस एनालॉग है, जिसको हम यदि ज्यादा केमिकल की तरह यूज करते हैं तो हमारे क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एल्कलाइटिंग एजेंट, कुछ एल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं जिसके कारण हमारा क्या हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकते हैं हमारे बॉडी के क्रोमोसोमल में। फिर हमारा थर्ड है एस्ट्रिडिन डाइज, ये वैसे पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो नीट में इतना तो नहीं ज्यादा पूछा जाएगा, बट आपको जानकारी के लिए दे देते हैं, आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे केमिकल है और फिजिकल, ठीक है, जिसके कारण चेंज हो, इसको बोलते हैं म्यूटा जेंस। केमिकल में कुछ नाम है 5-BU, 5-IU, ठीक है, ये दो तीन याद है तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिजिकल रेडिएशन में, फिजिकल रेडिएशन में बात करते हैं तो हमारा यूवी रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ठीक है। तो ये सब रेज के वजह से भी, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे कुछ हो गया, ठीक है, तो बिना डॉक्टर के परमिशन के जा क्या कर रहे हैं, यूवी रेज करा रहे हैं, ठीक है, एक्सरे करा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कराए जा रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट लिए जा रहे हैं मैग्नेटिक, ठीक है, एमआरआई करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बिना डॉक्टर के नहीं लेते, क्योंकि ये हमारे यदि बॉडी में ज्यादा आएंगे, रेज ज्यादा आएंगे, तो हो सकता है कि हमारी क्या होगी, जेनेटिक मेकअप एक बैग चेंज हो जाए, हम कुछ भी हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हमारा जीन चाहता है क्या, हमारी बॉडी क्या चाहती है, यदि कुछ हो तो हमारे अच्छे के लिए ही हो, यदि म्यूटेशन हो तो स्टेबल म्यूटेशन हो, और ऐसा म्यूटेशन हो जो हमारे लिए बेटर हो और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिटेबल हो। म्यूटेशन क्या होना चाहिए, इनहेरिटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज कि जैसे मान लो कि डॉक्टर ने दवा दिया, ठीक है, ध्यान देना, डॉक्टर बोलते हैं कि दवा खाना है आपको, इतने डोज लेना, ये सुबह लेना और ये हमारा शाम को लेना है, ठीक है, ऐसा डॉक्टर बोलता है, ठीक है। तो हम लोग खुद डॉक्टर है घर में, ठीक है, दूसरे की बात तो मानने वाले नहीं, ठीक है, बात मानते तो ऐसा काम ही नहीं होता हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि खुद से हम दवा लेते हैं, ठीक है, नहीं सुबह ले लिए, शाम ले लिए, अपना डोज अलग से बना लेते हैं, ठीक है, वो दे रहा है हाफ तो आप 2 गोली खा रहे हो, ठीक है, वो बोला 2 गोली तो आप हाफ खा रहे हो, ठीक है, ठीक। और जितनी दिन की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, बीमारी का आपको एमबीबीएस बताया जाएगी कि इसकी इतनी दिन की लाइफ साइकिल होती है, उतने दिन तक हमको डोज देना होता है, हाई डोज कब देंगे, हाई डोज के साथ कौन सा मैच कराएंगे, गैस की दवा क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्यों मतलब बहुत लोगों को दिया जाता है, ठीक है, कि जो वो जानते हैं साइड इफेक्ट का इफेक्ट होता है, ठीक है, कि साइड इफेक्ट ना हो, इस अंदर हम लोग खाली पेट की दवा दी जाती है खाने के लिए आपको, ठीक है, और भी कई दवा बताई जाएंगे। तो यदि हम अपने हिसाब से दवा लेने लगे, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से दवा ले रहे हैं कि नहीं हम ये दवा खाएंगे, तो बॉडी में चांसेज है हमारा म्यूटेशन होने के लिए, क्योंकि केमिकल ज्यादा लेंगे तो हो सकता है हमारे, तो पहले तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, साइड इफेक्ट तो होगा ही, अब साइड इफेक्ट इतना भी हो सकता है कि हमको क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। इस नाते जब भी आप लोग जाइए, ठीक है, जितना दवा दिया हो उतना ही काम करना है हमको, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो म्यूटेशन में अब हमारा म्यूटेशन जो होंगे 2 या 3 तरह के होंगे, ठीक है, ये हमारा जेनेटिक मेकअप का चेंज हो रहा है। अब कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है, अब हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, या तो स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए या फिर नंबर में चेंज हो जाए, जैसे 46 है 47 हो गया, 46 है
40 हो गया, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे लोकेट है, जैसे मान लो कि ये हमारा पेन है, पेन का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, देखना पेन का स्ट्रक्चर ये है। अब इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लगा दिए कुछ पॉइंट, या फिर यहाँ पे कुछ अलग चीजें लगा देते, पेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या फिर हमारे पास 3-4 नंबर में पेन है उसमें से कम कर दिया, बढ़ा दिए, या फिर नंबर में चेंज हो जाए। दो ही तरीके से म्यूटेशन हमारा पॉसिबल है, और थर्ड वाला हम लोग म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो तीनों के नाम लिख लेते हैं, क्या क्या हमारा चेंज है हो सकता है हमारा, ठीक है। कि फर्स्ट हमारा कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए हमारा, स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेकेंड, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। थर्ड हमारा है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट म्यूटेशन और जेनेटिक जीन म्यूटेशन, यही तीन हमको डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे कि स्ट्रक्चर में चेंज हो गया क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल में चेंज हो गया, या फिर पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें से हम लोगों ने पॉइंट म्यूटेशन देख लिया था, सिकल सेल एनीमिया 7th पोजीशन या 6th पोजीशन बताए थे, आपको याद होगा कुछ, बहुत याद होगा थोड़ा बहुत, 6 या 7 बताए थे, जीएल वैलिन ऐसा कुछ चेंज हो जाता है हमारा, बीटा या अल्फा हीमोग्लोबिन, ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चल याद करना, रिकॉल करना, याद आएगा तो मैसेज करते रहना आप लोग, ठीक है। ये कि कौन सा था पॉइंट म्यूटेशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, किससे कौन सा चेंज हो रहा था, हीमोग्लोबिन कौन सा था, अल्फा था कि बीटा था हमारा, ठीक है, चलो वो याद रहना, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। हमारा पहला हमारा स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, देखो सी को हम इस क्रोमोसोम को इस तरह लिख दिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें एक एक करके पढ़ना है आपको, ठीक है, कि एक एक करके अलग से हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंज कर सकते हैं, अब जैसे मान लो पेन है, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, इसको यहाँ से डिलीट कर दें, यहाँ से तोड़ दें, यदि हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर दें, यहाँ से गायब कर दें, तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हेलो, पहले ऐसा दिख रहा था, ठीक है, हमारा यहाँ पे सर्कल दिख रहा था, अब इसको हम बंद कर दिए तो हमारा इस तरह दिखने लगा, ठीक है, यहाँ से हटा दिए, डिलीट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है डिलीशन, ठीक है, हम क्या कर दें, डिलीशन कर दें, फर्स्ट हमारा क्या कर दें, डिलीशन करना है, ठीक है। डिलीशन कैसे करेंगे कि मान लो इस तरह हम एक एक करके बना रहे हैं, इस पे लिखा गया है हमारा ABCDEFG, नीचे भी सेम कोड होगा हमारा, दोनों क्रोमोसोम है EFG, ठीक है, देखना एक क्रोमोसोम है, ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन लिखे हैं, लेकिन हमारा देखो इस तरह है, कुछ बना दे रहे हैं पहले फिर मिटा देंगे, इस तरह हमारा, तो यहाँ पे ABCDEFG, ठीक है, इस तरह बना है, एक क्रोमोसोम है, फिर नीचे भी एक क्रोमोसोम, क्योंकि हमेशा क्या होते हैं पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब करना है हमको यहाँ पे डिलीशन करना है, डिलीशन करेंगे कैसे, ठीक है, अब यहाँ से कुछ नंबर को हम क्या कर दें, गायब कर दें, यहाँ से हम क्या किए FG, यहाँ से किसी तरह का क्या हो रहा है, केमिकल या फिजिकल लेने के कारण गायब हो गया, ठीक है। अब जब गायब हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखना ABCDE यही बचा, और यहाँ पे ABCDEF एंड G, ठीक है। अब ये दो एक्स्ट्रा बच गए, अब जब ये दो एक्स्ट्रा हमारे पास, ठीक है, दो हमारे क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज कर देंगे, क्योंकि अब इसको यहाँ पे कोड करने वाला कोई भी जीन नहीं है, जो कोड हो रहा था ना यहाँ पे इस तरह होता हमारा, ये आपस में जुड़े होते हैं, सब बॉन्ड में जुड़े होते हैं हमारा, ठीक है, अब इनको कोड करने वाला कोई भी जीन नहीं है, यदि जीन नहीं है तो अभी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमारे सेल की एक्टिविटी को, हमारी जो मेटाबोलिक है, जो भी चीजें हैं जीन के मेकअप को चेंज करते हुए चलेंगे। पहला है हमारा डिलीशन, ठीक है। दूसरा तरह का डिलीशन कैसे कर सकते हैं, देखो सेकंड डिलीशन कैसे करते हैं हम लोग, कि सेम क्रोमोसोम लिए हम लोग ABCDEFG,
जी सेम है हमारा जी, ठीक है। अब करना क्या है हमको कि यहां से गायब हो गया, ठीक है, बीस से हम गायब कर दिए सी एंड डी। डिलीशन हम कहीं से कर सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है डिलीशन। अब देखो डिलीशन हो गया, अब जब डिलीशन हो गया तो बनेगा कैसा देखना, ठीक है, ए बी ई एफ जी, सी डी तो गायब हो गया हमारा, ठीक है, सी और डी क्या हो गया हमारा गायब हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए और बी सी डी गायब हो गया, तो सी डी क्या हो जाएगा हमारा बेंड हो जाएगा और बचेगा ई एफ जी, यानी सी एंड डी। अब क्या हो गया हमारा, देखो स्ट्रक्चर में क्या हो गया हमारे चेंज हो गया, हमारे सी एंड डी क्या हो गया हमारे, अब ये दोनों यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में इसके साथ ये बॉन्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो नॉर्मल था हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन बट यहाँ पे सी डी हमारे एक्स्ट्राज हो गए, जो अब क्या करेंगे जेनेटिक मेकअप को चेंज करना शुरू कर देंगे। हमारे पास जितने क्रोमोसोम उसी के साथ पेयर्स में होने चाहिए, यहाँ पे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ फिजिकल एंड केमिकल चीज ले लिए जिसके कारण हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया डिलीट हो गए, और जब डिलीट हो जाएंगे 46 होना था, अब वो कितने हो गए हमारे पास 42 हो गए, 41 हो गए, तो यानी हमारे पास जो 42-43 वाले क्रोमोसोम थे हमारे, 46 वाले क्रोमोसोम जो भी थे, वो अब करेक्टर तो अपियर नहीं होंगे, एक तो गायब हो गया, अब एक जो बचा हो क्या करेगा हमारे जेनेटिक मेकअप को तुरंत तुरंत क्या कर देगा चेंज कर देगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक है, कि डिलीशन का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है, कौन सा ऐसा डिजीज हो जाती है यदि ऐसा हमारे पास हो गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग कैट क्राई सिंड्रोम और क्राई डू चैट, दोनों एक ही नाम है, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है, यानी कि कैट क्राई सिंड्रोम, ठीक है, कि यानी जब ऐसा हुआ, ठीक है, डिलीशन हुआ क्रोमोसोम नंबर में, डिलीशन हुआ किस क्रोमोसोम नंबर में होगा अभी पढ़ेंगे, तो इस तरह का हमारा क्या होता है कैट क्राई सिंड्रोम होता है। कैट क्राई सिंड्रोम मतलब जब भी वो चिल्लाएगा रोएगा तो बिल्ली की तरह, ठीक है, कैट क्राई इसलिए बोलते हैं कि उसकी जो आवाज हो जाएगी चेंज हो जाएगी, अब जैसे हमारा ह्यूमन की आवाज है, ठीक है, अब लेकिन जो आवाज प्रोड्यूस करना था, जो साउंड था हमारा वोकल कॉर्ड के पास, जो ब्रेन के पास सिग्नल था, वो कैसा था, कुछ अलग था, लेकिन वो जीन हमारा गायब हो गया, जब जी सॉरी जैसे जीन पे करेक्टर लोकेटेड था वो गायब हो गया, तो अब तो भाई कुछ भी हो सकता है, तो हमारा क्या होगा बिल्ली की तरह आवाज आएगी, ठीक है, बिल्ली की तरह चिल्लाएगा वो, उसे बोलते हैं कैट क्राई सिंड्रोम, कब होता है ड्यू टू डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर या फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर नहीं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, नंबर में होगा तो अलग डिजीज आएंगे, ठीक है। चलो अब होता क्या है हमारा कि ऐसा क्रोमोसोम कौन सा नंबर होता है, तो ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म, ठीक है, ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम, ठीक है, शॉर्ट आर्म और फिफ्थ क्रोमोसोम, यानी देखना कि पहला क्रोमोसोम हमारा फिफ्थ वाला इस तरह का था, ठीक है, फर्स्ट में थे इस तरह थे हमारे बॉन्डिंग हो रहे थे, बट लेटर ऑन डिलीशन होने के वजह से, ठीक है, हमारा क्रोमोसोम सिर्फ यही रह गया, ठीक है, और आगे वाले रहे नहीं, तो इस कारण इसके ज्यादा होने के कारण हमारा क्या होगा कैट क्राई सिंड्रोम्स हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा म्यूटेशन हमारा जो पढ़ रहे थे हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम में, तो फर्स्ट हमारा हो गया डिलीशन, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड कौन सा होगा, सेकेंड में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये पेन है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तो इसी तरह एक कैप आगे भी लगा दे, ठीक है, इसी का डुप्लीकेशन करके आगे लगा दे, जैसे ही देखो जैसे पीछे उसी तरह आगे लगा दिए, ठीक है, या फिर इस तरह का इस तरह कर दिए, तो इसका पेन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी हम डुप्लीकेशन कर दें, नंबर में बढ़ा दे, डुप्लीकेट कर दें कुछ, ठीक है। तो चलो सेकेंड आता हमारा डुप्लीकेशन, ठीक है, डुप्लीकेशन, जैसे हमारे घर में फ्रिज है, ठीक है, आपके सबके घर में फ्रिज होगा, या तो फ्रिज गायब कर दो, हाफ पोर्शन काट के गिरा दो, ठीक है, फ्रिज था हाफ पोर्शन काट के गिरा, डिलीट कर दिया, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी घर में, या फिर एक था
एक से ज्यादा जाके रख दिए, डुप्लीकेशन करते चले गए तो भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सर बहुत मजा आएगा तो दो तीन चार फ्रिज हो गए तो भी प्रॉब्लम, बिजली का बिल बढ़ेगा, सामान रखने की हो सकता है एक दो, वो एक दो फ्रिज हमारे एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट के अनुसार ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन में होगा क्या, चलो तो डुप्लीकेशन में बना लेते हैं। ये हमारा क्रोमोसोम है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, आप ABCD भी लिख सकते हो, हम बस डिफरेंस के नाते लिख रहे हैं इस तरह करके। चलो एक क्रोमोसोम आपस में है, अब इनका डुप्लीकेशन करना है, क्या करना है हमको डुप्लीकेशन। अब दो तरीके से डुप्लीकेशन कर सकते हैं, या तो नंबर में रिपीट कर दें, सेम नंबर कर दें रिपीट, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 6 7 आगे बढ़ा दें, ठीक है, या फिर 5 4 जो भी है। सेकेंड उसका रिवर्स कर दें, थर्ड, ठीक है, या फिर डिस्प्लेस कर दें, ठीक है। देखो तीन तरीके से करेंगे हम लोग, हम एक एक बना रहे हैं यहाँ पे, आप नीचे इसके बना सकते हो दो दो, ठीक है। क्या किया हम लोग, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 फर्स्ट में ये कर दिए, सेकंड में डुप्लीकेशन करना है 1 2 3 4 5 5 4 6 7 कर दिए, थर्ड में क्या किए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 5 देखना, ठीक है। अब इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं ठीक अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे डुप्लीकेशन किए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेशन किए हैं और यहाँ पे डुप्लीकेट किए हैं, नंबर में बढ़ाएं, डुप्लीकेशन किए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, कि नंबर में डुप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। हमारे पास तीन कंडीशन है, ठीक है, या तो 4 5 4 5 कर दें, या फिर उसको नंबर को ब्लड दें, या फिर उस नंबर को आगे ऐड कर दें। डुप्लीकेशन इस तरह कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो फर्स्ट डुप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा कौन सा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, ठीक है। जो फर्स्ट डुप्लीकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग रिपीट, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग टेंडम डुप्लीकेट, ठीक है, रिपीट या फिर टेंडम डुप्लीकेट बोलते हैं। यानी जब हमको 1 2 3 4 5 4 5 हो जाए, उसी के आगे आगे नंबर बढ़ जाए, फिर आगे हो, तो उसे बोलते हैं टेंडम या फिर रिपीट डुप्लीकेशन। सेकेंड की बात करते हैं, तो देखो क्या किया है, 4 5 5 4 तो नाम ही है, रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स डुप्लीकेशन, ये रिपीट टेंडम था, ये रिवर्स हो गया। थर्ड की बात करें कि उस पोजीशन से हटा के दूसरे पोजीशन पर रख दिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिसप्लेस्ड डुप्लीकेशन, ठीक है। देखो तीन तरीके से हमारा डुप्लीकेशन हो गया, एक रिपीट टेंडम हो गया, ठीक है, कि उसी के आगे देख रहे हैं आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। रिवर्स में क्या किया हम लोग, नंबर को रिवर्स कर दिए, डिस्प्लेस में क्या किया, वहां से हटा के दूसरे जगह रख सकते हो। तीन तरीके से हम लोग डुप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग ABCD भी लिख सकते हो, मैं 1 2 3 4 5 6 7 लिख रहा, आपके जो भी मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है। मेडिकल भाषा भी लिख सकते हो कि दवा लिख दिए, तीन चार नाम, उसे याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरह का हमारा चेंज हो जाए तो भी हमारा स्ट्रक्चरल में चेंज हो गया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया। जैसे ही पेन की बात कर रहे थे, ठीक है, और जैसे हम, जैसे एक आदमी मान लो, ठीक है, स्ट्रक्चर में कैसे चेंज करना है, ठीक है, कि एक आदमी है, ठीक है, उसके दो कान, दो कान नीचे भी लगा दो, ठीक है, लगा सकते हैं हम लोग, दो कान पीछे लगा दें, दो कान ऊपर लगा दें, तो नंबर में डुप्लीकेट करना है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब लगा दिया तो स्ट्रक्चर में तो चेंज हो गया, आदमी की जगह राक्षस बन गया, कुछ भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। अब जैसा भी वो दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छा दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, तो इस तरह नंबर में डुप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस तरह का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इस तरह का एग्जाम्पल है कौन, ठीक है, यदि हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं तो साथ में एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। तो इसमें होता है हमारा बार आई इन ड्रोसोफिला, बार आई इन ड्रोसोफिला, ठीक है, उसका आंखें की बात करें, नेट पर देखना, यूट्यूब पे बार आई ऑफ ड्रोसोफिला बहुत सही दिखाएगा आपको, ठीक है। क्या होता है इसमें, ड्यू टू डुप्लीकेशन, ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ 16A क्रोमोसोम, ठीक है, 16A पार्ट ऑफ X क्रोमोसोम, कौन सा 16 नंबर वाला जो है एक्स क्रोमोसोम, वही क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो जाता है, तो ड्रोसोफिला की आई कैसे होती है, बार कलर की हो जाती है, बार आई ऑन ड्रोसो
फिला, ठीक है, आप डालना 90 पे, बार आई कैसा होता है, आंखें कोई बताएगा बारे में कि आंख कैसी हो जाती है हमारी, ठीक है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं हमारे। पहला एग्जाम्पल था किसमें हमारा, ड्यू टू डिलीशन ऑफ क्रैट क्राई सिंड्रोम। पहला है हमारा, ये सब पढ़ने किसमें हम लोग, कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब किसके बारे में बताया था, किसने बताया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने बताया था इस सब के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड होता है हमारा कैसा हो सकता है, स्ट्रक्चरल में ट्रांस लोकेशन, कैसा होगा हमारा, ट्रांस लोकेशन की बात करें, यानी ट्रांस लोकेट हो गया, एक क्रोमोसोम का नंबर किसी अनदर क्रोमोसोम नंबर से क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। एक क्रोमोसोम नंबर किसी अनदर, ठीक है, होता क्या है कैसे, ठीक है, देखना, ध्यान देना। अब ये नहीं कि सर यहाँ भी तो ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है, यहाँ से हम यहाँ करा दें, ठीक है। सेम सेल में होमोलॉगस क्रोमोसोम में नहीं करना, कैसे नहीं करना, जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम है हमारे दो, ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर हम लोग 7 है, और ये क्रोमोसोम नंबर हमारा मान लेते हैं 16 है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब इसके करेक्टर जैसे ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मान लेते हैं सी डी ई एफ, इस तरह मान लेते हैं, या फिर इसको रुको नंबर में लिख लेते हैं, नंबर में बेटर रहेगा, चल ठीक है, ए नंबर में लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो नंबर में हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं चेंज करना हमको, कि जैसे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से डिलीट कर लिया तो ये क्रोमोसोम नंबर ज्यादा है, यहाँ पे नहीं करना है, इसका 7th क्रोमोसोम का ट्रांस क्रोमोसोम लोकेट हो गया कहाँ पे, 16 वाले पे चला गया। यदि इस तरह का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अनदर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम नंबर में जब ऐसा चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपस में यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे वो मत कर देना कि सर एक ही 8 क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम दोनों को चेंज कर दिए, हमारा काम हो गया ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन हो गया। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, ड्यू टू एक्सचेंज मटेरियल, जब तक मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा हमारे अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। यदि क्रॉसिंग ओवर जिसके अंदर नहीं होता है तो पेरेंट के सेम कॉपीज बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम होंगे हमारे, ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे लिख दे ट्रांसलोकेशन किसके बीच में होता है हमारा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ट्रांसलोकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, कि मान लो कि ये कोई क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, आप रॉड लाइक भी बना सकते हो, ठीक है, रॉड लाइक ही बना लेते हैं, जाओ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये एक क्रोमोसोम है और एक दूसरे पेन से बना लेते हैं कि ये अनदर क्रोमोसोम, कोई नंबर एक अलग क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे हमारा है, ठीक है, इस पे बना लेते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर बना लेते हैं हम लोग ए बी सी डी ई, ठीक है। अब यहाँ से ट्रांसलोकेशन करना है कि 5 6 वाला इधर चला आया और डी एंड ई वाला किधर चला गया, आगे चला गया, यानी अब कैसा हो गया हमारा, क्रोमोसोम की बात करें, ठीक है, देखना, ठीक है, ये चला गया 5 6 इधर, और यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे हो गया हमारा डी एंड ई और ए बी सी, ठीक है। इस तरह का यदि चेंज हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांस लोकेशन, की एक का करेक्टर दूसरे चला गया, दूसरे का इधर चला गया, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लो कि ये इसके साथ मैच कर रहा था और ये इसके साथ मैच कर रहा था, ठीक है, ये आपस में बॉन्डिंग थे, अपना करेक्टर दोनों साथ साथ में लोकेटेड थे, एलियंस अपना पेयर्स में होते हैं तो अपना सही थे, बट अब ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ हो गया, तो मैचिंग तो होगी नहीं, ठीक है। आप अपने घर में रहते हैं तो अपना माहौल बनाते हैं, आपको भेज दिया कहीं दूसरे के कोने देश के कोने कि आपको इस घर में रहना है, तो दूसरे को बोल गया कि आपको उस घर में रहना है, ठीक है, उस घर का भी सडन माहौल चेंज हो जाएगा, उसमें भी सडन चेंजेस हो जाएंगे। आप सुबह उठ रहे हो, देख रहे हो कोई नया है हमारे बगल में बैठा हुआ जो हमेशा के लिए रहने वाला है, तो आपका सडन माहौल चेंज हो जाएगा,
जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जब ऐसा होता है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता हमारा कि कौन सा होगा, ठीक है, डिजीज कौन सा होगा, यदि ऐसा हो जा रहा तो कौन सा डिजीज होगा, जिसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम्स, ठीक है, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम्स है, या फिर एक नाम बोला जाता है CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मीन ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं हम लोग ल्यूकेमिया। तो क्रोनिक ब्लड ल्यूकेमिया होता क्या है इसमें कि किसके किसके क्रोमोसोम कौन से नंबर क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होगा उसकी बात करते हैं हम लोग। तो 20 and 22 and 9th क्रोमोसोम के बीच में ऐसा एक्सचेंज जब हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ नॉन होमोलॉगस, ठीक है, मटेरियल का चेंज हो गया हमारा नाइन्थ एंड ट्वेंटी टू क्रोमोसोम, इस तरह होता है हमारा डिजीज फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं CML क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा ट्रांस इनवर्जन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ, जिसको बोलते हैं हम लोग इनवर्जन। ये तो नाम सुने होंगे, इनवर्जन, इनवर्ज कर देना, करना कुछ नहीं है, बस नंबर को इनवर्ज कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक अदर है, उसके साथ हम पेयर्स में नहीं बना रहे हैं, ठीक है, पेयर्स में आप लोग अब समझ गए, इसके नीचे ही होगा हमारा 1 2 3 4, दूसरा है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके नीचे इसी तरह सेम होगा 1 2 3 4, इस तरह नीचे यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो दो तरीके से बना रहे हैं हम लोग, ए एंड बी, क्यों, अब देखो यहाँ पे हम कुछ चेंज करेंगे, अब दो तरीके से इन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, कितने तरीके से हो सकता है हमारा, दो तरीके से, या तो यहाँ से इन्वर्ज हो जाए नंबर में, ए इन्वर्जन हो जाए, या फिर ये, देखो दोनों देखना डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इन्वर्ज कर दिए और ए वाला इन्वर्ज कर दिए, ठीक है, चलो तो इन्वर्जन कर देते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंसेस आते हैं हमारे, क्या नाम क्या है, दोनों क्रोमोसोम बना लिए यहाँ पे, ठीक है, चलो तो यहाँ पे था हमारा 1 2 3 5 4 6 7, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 7 6, देखना, ठीक है, अब देखना दूसरा पेन ले लेते हैं, चलो ठीक है, ए हमारा इन्वर्जन हुआ, अब इन्वर्जन में हो क्या रहा है, ठीक है, एक में देखना, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो सेंटर होता है, ठीक है, क्रोमोसोम का जो यहाँ पे अटैच है सेंटर में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोमियर्स, ठीक है, सेंट्रोमियर्स बोलते हैं, जितना सेंट्रोमियर उतने ही क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में है। ठीक है, अब देखो सेंट्रोमियर्स पहले में जो है विदाउट सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वेशन हमारा क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट में विदाउट सेंट्रोमियर इन्वॉल्वेशन, ठीक है, और सेकंड में सेंट्रोमियर का इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, जो भी इन्वर्जन हो रहा है, जो भी म्यूटेशन हो रहा है, पहले में विदाउट सेंट्रोमियर, सेकंड में सेंट्रोमियर, देखो 4 and 5, सेकंड में देखना 4 and 5 के बीच में रेड बनाए एरो, उसमें सेंट्रोमियर भी आ रहा है बीच में, कौन सा आ रहा हमारा, सेंट्रो मियर का भी एक्सचेंज हो रहा है, तो इसके बेसिस पे इसको दो नाम बोला गया है। ठीक है, कि जिसमें इसमें हमारा है विदाउट सेंट्रोमियर्स, ठीक है, विदाउट सेंट्रोमियर्स इज नोन एज पैरा सेंट्रिक इन्वर्जन, इसमें क्या हमारा विथ सेंट्रोमियर्स, इसको बोलते हम लोग पेरी सेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इन्वर्जन कितने टाइप के होते हैं हमारे, तो इन्वर्जन कितने हमारे पास हैं, दो तरीके से हैं, एक पैरासेंट्रिक और एक हमारा पेरिसेंट्रिक है।
विदाउट सेंट्रोमियर को बोलते हैं हम लोग पैरासेंट्रिक, विथ सेंट्रोमियर है तो उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इनवर्जन। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर में चार तरीके से पढ़ लिए। ठीक है, एक बार देखते चलते हैं ऊपर से। ठीक है, कि फोर टाइप के हमारा स्ट्रक्चरल में हमारा फर्स्ट है हमारा डिलीशन की बात की है, जिसमें डिलीट हो जाएगा, आप कहीं से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कैट काई सिंड्रोम एंड दो ही तीन जगह एग्जाम्पल पूछा जाएगा म्यूटेशन का, जो जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो जो आपको पूछे आएंगे उसके हम लिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल कैट काई सिंड्रोम या क्राइडो चैट सिंड्रोम, जिसमें हमारा फिफ्थ क्रोमोसोम क्या हो रहा है हमारा चेंज हो रहा था। ठीक है, फिफ्थ क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे बनाए भी डायग्राम आगे, फिफ्थ वाला जो सेकंड वाला एलील था वो क्या हो गया नंबर में चेंज हो गया। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे थे जो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना आपको कॉपी करनी है कॉपी हम किसी भी तरीके कर सकते हैं। ठीक है, या तो फोन से फोटो खींच लें, व्हाट्सएप मंगा लें, या फिर हम प्रिंट आउट करके ले आए, जो भी मेल या किसी भी बहुत तरीके हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेशन करना हमको, तो एक देखो तीन तरह का डुप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, एक बोलते हैं रिपीट और एक टेंडम। टेंडम याद रखना, टेंडम नाम आगे भी आएगा आपको। ठीक है, तो टेंडम होता है क्या, रिपीट डुप्लीकेशन, रिपीट तरह, तो रिपीट रिवर्स एंड डिस्प्लेस, तीन तरीके से हम चेंज कर सकते हैं हमारा क्या स्ट्रक्चरल में म्यूटेशन का। तो उसमें जो एग्जाम्पल है बाराइन ड्रोसोफिला, होता क्या है इसमें, कैसा ऐसा डुप्लीकेशन हो जाता है, जो 16A क्रोमोसोम है या 16X क्रोमोसोम है उसका नंबर डुप्लीकेट हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरे बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेशन म्यूटेशन। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जब भी पढ़ते हैं तो याद रखना किसके बीच होता है हमारा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में। यदि होमोलॉगस के क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर, वो किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये म्यूटेशन नहीं है, ये टाइप कोई म्यूटेशन नहीं है, तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, यानी क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हुआ है, 7 या 16 या कुछ भी ऐसे हम लिखे हैं, 7 16, ऐसा नहीं, 7 16 के बीच में होता है, किसी भी बीच हो सकता है हमारा। और नीचे डायग्राम बनाया दिया गया है कि दो है, एक 7 होगा एक 16 होगा, तो इनके बीच में है। तो एग्जाम्पल है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम या फिर CML क्रोनिक मिलॉइड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कहीं भी आए वर्ड तो याद रखना, ब्लड की कमी हो जाना, मेनली WBC की जब कमी हो जाती है उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा है 22 और 9 क्रोमोसोम के बीच में ऐसा होता है, जिसके कारण हमको CML या फिलाडेल्फिया सिंड्रोम होता है। ठीक है, लास्ट हमारा इनवर्जन। इनवर्जन में हमारा विदाउट सेंट्रोमियर विथ सेंट्रोमियर पैरासेंट्रिका पेरीसेंट्रिक। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमारा सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आएगा कि नंबर में चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, चलो तो और हाँ, ल्यूकेमिया में ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, WBC की कमी हो जाती है, डायरेक्ट हो जाता है ब्लड कैंसर लिखाया जाएगा। ठीक है, आप लोग MBBS की पढ़े हो तो डिजीज आएगा आपको। ठीक है, फार्माकोलॉजी आएगा, ये अभी तो एनाटॉमी चलेगा आप लोगों को, फिर उसके साथ साथ फिजियोलॉजी चलेगा, फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब पहले चलेंगे एनाटॉमी में, फिर आगे हम लोग चीजें पढ़ते हैं MBBS में। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ बुक भी आती है MBBS फर्स्ट ईयर में, अच्छी अच्छी बुक आती है। ठीक है, सब लिंगुअल है, जो आपको फिजियोलॉजी की फर्स्ट है हमारी MBBS की फर्स्ट सबसे टॉप मतलब अच्छी बुक मानी जाती है, जिस सब लिंगुअल। ठीक है, फिर MS चौहान है, इस तरह करके 2-3 बुक है। ठीक है, चलो वो तो आपको बताई जाएंगी क्या क्या पढ़नी है। तो अब ये हो गया हमारा, अब इसके बाद हमारा सेकेंड है हमारा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारा म्यूटेशन चेंज इन नंबर, फिर पॉइंट म्यूटेशन में हम लोगों ने देख लिया था, सिकल सेल एनीमिया देखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे हम लोग चेंज इन नंबर में, फिर जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग लगभग कल हमारा चैप्टर ये हमारा लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक्स लगभग फिनिश हो जाएगा। इसमें एक और है, ठीक है, कहीं कहीं दिया रहता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, NCERT में दिया होगा आपके पास, सबके लोग सबके लिए सबके पास होगा, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस सोटन एंड बोरी ने दिया था। ठीक है, इस बार डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, जो नीट दोबारा हुआ था, जो बच्चे क्वारंटाइन में थे उसके बाद उनके लिए बोला गया था। ठीक है, तो उसमें सोटन एंड बोरी डायरेक्ट पूछा गया होता क्या है क्रोमोसोमल थियरी। ठीक है, कुछ नहीं था जब मेंडल थे। ठीक है, मेंडल ने क्रोमोसोम के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, हाँ पेडिग्री एनालिसिस है वो बताएंगे आपको,
पेडिग्री एनालिसिस, देखो बच्चों पेडिग्री एनालिसिस जो आपको सिखाया गया उससे एकदम अलग हटके रहेगा। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे पूरी पेडिग्री एनालिसिस की, फिर उसके शॉर्ट ट्रिक। पेडिग्री एनालिसिस आपको गारंटी है इतनी अच्छे से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो दिमाग में आपको लर्न होगा, जिससे आप लोग कोई भी पेडिग्री पूरी बोर्ड बड़ा बड़ा हो, ठीक है, पूरा चार्ट मिला हुआ आपको 10 पेडिग्री एनालिसिस का है, आप उसके 2 सेकंड में उसको सॉल्व करके आंसर बता दोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा, वेट करो, ठीक है, सब बताया जाएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कैसे लगाना है। पहले हमको बेसिक पेडिग्री पढ़ेंगे, फिर उसके ट्रिक पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या था कि मेंडल जब थे एक्सपेरिमेंट के, तो बहुत पुराने थे, बर्थ डेट भी लिखाए थे आपको, ठीक है, तो उस समय क्रोमोसोम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ये तो कंफर्म था, क्रोमोसोम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि हमारे बॉडी में क्रोमोसोम होता है या फिर डीएनए होता है जो ऐसा काम करता है, जीन को ले जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता था। मेंडल ने बस इतना देखा था कि हाँ करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कौन ले जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था, नहीं बताया, ठीक है। बाद में सौदे ने बोरी आया जब डिस्कवरी हुआ क्रोमोसोम का, तो उन्होंने बताया कि अच्छा मेंडल ने इसी की बात कर रहे थे, ठीक है, मेंडल क्या बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम ही है जो क्या करता है करेक्टर को ले जाता है, लेकिन मेंडल ने जो बताया सही बताया कि करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया। तो मेंडल और क्रोमोसोम दोनों को आपस में मिला दिया गया, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, कि क्रोमोसोमल ही क्या करता है करेक्टर को ट्रांसफर करता है। कैसे कैसे ट्रांसफर करता है आप लोग जानते हो, डीएनए है, आरएनए है, कैसे कैसे ट्रांसफर करता है, इसके बारे में बताया हमारा किसने, सौदे ने, बोरी ने बताया था कि क्रोमोसोम और मेंडल को दोनों को आपस में मिला दिया, कि मेंडल वाले भी सही थे, मेंडल काम सही है, इन्होंने ही बताया था कि क्रोमोसोम ही है, क्रोमोसोम से डिस्कवरी जब नहीं किए गए थे कि यही हमारा करेक्टर को ट्रांसफर करता है। बाद में उसको हम लोग लिंकेज के रूप में पढ़ना शुरू किए, ठीक है, कि उसके सोरेन बोरी ने बस बताया कि क्रोमोसोम आ गया, डिस्कवरी हो गया, तो उन्होंने बताया। अब उसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूव किया गया था, ठीक है, कौन से एक्सपेरिमेंटल जो प्रूव किए गए थे, वो थे हमारे टीएच मॉर्गन, ड्रासो, फिला पे किया गया था, जो आपको एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का देखना, यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह कुछ दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा वाइल्ड टाइप, ठीक है, वाइल्ड टाइप, फिर वाइट, येलो, फिर इस तरह डायग्राम वहाँ पे 3-4 करके टेबल्स में बना के दिए गए हैं, ठीक है, ये इधर है हमारा, ठीक है, इधर, फिर इस तरह करके 3-4 बना के दिए गए हैं, जिसमें कहीं कहीं लिखा 67%, 53%, वाइल्ड टाइप, रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल, इस तरह करके बना के दिया गया है आपको, ठीक है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, लिंकेज लेगा, समय लगेगा भाई, कल नहीं समाप्त होगा, लिंकेज भी हमारा, देखो लिंकेज तो दिमाग से उतर गया था, ठीक है, लिंकेज भी हमारा, ठीक है, जो मोस्ट अच्छा है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका दो है हमारे, एक तो क्रॉस कराने आ गया हमको, ठीक है, क्रॉस के बाद हमको देखने को मिल गया, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड लिंकेज, लिंकेज से हमको नंबर ऑफ गैमेट याद है, ठीक है, नंबर ऑफ गैमेट भूलना मत। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ना कि सर इसमें गैमेट में दे दिया, 2-3 गैमेट दे दिया, उसमें पूछा गया क्या कि बेटा बताओ, ठीक है, कि इस गैमेट में नो लिंकेज में कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे, इस थीम में दिया गैमेट्स में, दूसरा कि लिंकेज है तो अब कितना, अब लिंकेज कितने तरह के होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, लिंकेज होता कैसे, तो नंबर ऑफ गैमेट कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो चलो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, फिर हम लोग म्यूटेशन खत्म करने के बाद कल हम लोग लिंकेज पढ़ेंगे, लिंकेज के बाद लास्ट टॉपिक आएगा हमारा पेडिग्री एनालिसिस, और पेडिग्री एनालिसिस के बाद आएगा हमारा डिजीज, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ क्रोमोसोमल मेंडेलिज्म डिजीज एंड क्रोमोसोमल डिजीज, ठीक है, 4 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, वहां से 2-3 क्वेश्चन उठते ही उठते हैं आपको, कम से कम 12 या 15 नंबर के उठेंगे, ठीक है। हाँ मैंने सर से बोल दिया, ठीक है, जो आपके आत्मीय एजुकेशन के जो सीईओ है, जो हेड है, उनसे बोल दिया गया, वो भेज देंगे, तैयार कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से, ठीक है, पीडीएफ बना रहे हैं, जैसे उनको टाइम मिलेगा तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, मैं आज एक बार सर से फिर बोल दूंगा, वो आपसे डील कर लेंगे, बात कर लेंगे लास्ट समय में, ठीक है, कि क्या क्या करना है, ठीक है, उसके टेंशन ना लो, तब तक पीडीएफ यहाँ तैयार करो, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन में पीडीएफ थोड़ा थोड़ा तैयार करें, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करें, जैसे मान लो अभी पढ़ लिए, अभी पढ़ने के बाद क्या करना, ठीक है, आप लोग जैसे उठते हो जाते हो यहाँ से, ठीक है, आधे घंटा नाश्ता करना, जो लेक्चर होंगे लेक्चर अटेंड करना, ठीक है, उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करना, नहीं नहीं अभी इसके इवोल्यूशन नहीं, आप वेट करो हम पढ़ाते जाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, नीट आपको क्लियर कराएंगे, हम बैठे हैं, बस जितना बोल रहे उतना करना है आपको,
ये वाला क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है, बस दो तीन क्वेश्चन पूछ जाते हैं डायरेक्ट वही बता देंगे कि ये चीज है। इसके बाद हमारा आएगा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा, ठीक है। इवोल्यूशन तो बाद की बात है, कहानी किस्सा है, उसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं फेवरेट है हमारे, ठीक है। एक आगा होमोलॉगस एनोलॉगस कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ठीक है, यही आते हैं हमारे, ठीक है, यही सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एडॉप्टेशन आता है, ठीक है। फिर इसमें हमारा हार्डी वीरमैन इक्वेशन आता है हमारा, ठीक है, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट होता है। ये चार पांच पॉइंट है जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको नीट में, सिर्फ उसी पॉइंट को रिकॉल कर देंगे, हमारा काम खत्म। और ब्रेन कैपेसिटी क्रेनियल कैपेसिटी जावा मानो पेकिंग मानो इसके ट्रिक बताएंगे। तीन चार चीजें हैं, पांच या छह चीजें, एक दिन में इवोल्यूशन खत्म कर देंगे। कहानी किसान नहीं पढ़ना हमको, कितना पढ़ लिए आता हमको इतना है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कहानी बहुत ज्यादा है उसमें कि इवोल्यूशन हुए, फिर उसमें टेबल बना के दिया कि डायनासोर कब इवॉल्व हुए, सब इतने नहीं आते क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि वो भी एक यदि क्वेश्चन आता समझाना सबसे नहीं होगा, ठीक है, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो उसमें झमेला ने हमारा जो क्वेश्चन हो जाए हमको सेलेक्टेड क्वेश्चन करना है नीट के लिए, ठीक है। आप लोग एमबीबीएस में हमको पता है, एमबीबीएस सबके एडमिशन हो चुके हैं, हमको सिर्फ हमको बस पास हो जाए अपना, अच्छे से नंबर आ जाए हमारा, कम से कम 400-500 नंबर आ जाए, हमारा टारगेट बना के चलेंगे, हमारा काम खत्म, क्यों टेंशन लेना इतना, ठीक है। सर व्हेन द वी विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर, ठीक है, सब आपको बताएंगे, सर बताएंगे, ठीक है बेटा, आप सब सर बताएंगे, जो आपके मेन है अथॉरिटी है आत्मिया के, वो बताएंगे आपको, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना आप, जैसे लेक्चर चलता है तो आप मैसेज कर सकते हो कि सर ये डाउट है या ये है, ठीक है। तो आप तुरंत मॉर्गन की टीएच मॉर्गन, वेट वेट वेट, कल पढ़ेंगे टीएच मॉर्गन थियरी, वही था लिंकेज हमारा, ठीक है, टीएच मॉर्गन की थियरी लिंकेज थियरी ये थी ड्रोसोफिला पे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, पूरी अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या ऐसा हुआ। मेंडल ने लिंकेज नहीं बताया था, जब भी बताया था आपको कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो नो लिंकेज था, बट जब लिंकेज हो गया यानी कुछ ऐसे चीजें हो गई जिसके कारण हमारा चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, करेक्टर चेंज हो गया, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे मॉर्गन की थियरी। टी एच मॉर्गन ड्रोसोफिला थे जिसने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था, बट क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने था, ठीक है, सोटन एंड बोरी ने दिया था मेंडल एंड क्रोमोसोम को मिला के, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे मॉर्गन की थियरी, ठीक है। और कोई डाउट बेटा, जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो Q&A में। चलो ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर सब मिल जाएंगे आपको, पीडीएफ पीडीएफ सब मिल जाएंगे, किसी का चैट में आ गया, चैट में ना जाए Q&A में आए, ठीक है, Q&A में, चैट में बार बार खोलना पड़ेगा, ठीक है, क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, सेहत का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है, इंजॉय कीजिए लाइफ को, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और सबसे बड़ी टेंशन यहाँ से मुक्त होके, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म से, थैंक यू। नहीं नहीं दिख रहा है जी हमको, Q&A में दिख रहा है, वही खोल के बैठे हुए हैं। चलो